तुम्हारे भैया की लवर का एड्रेस मिल गया, वो शास्त्री नगर में रहती है, जाओ उसे किडनैप कर लो। लकी, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों बह रहे हो? अरे वाह भावना की, वाह आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन, एक पैग लगाओ, बताता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब कोई पीना नहीं, छोड़िए इसे, छोड़िए। तुम दोनों एक ही हो, तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बहादुर लोग मरते नहीं है, उल्टा मारते हैं। अच्छा, वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो लकी और कौन? तो फिर लकी को मार डालो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लकी, ये क्या किया बेटी? उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है मामा, माइंड ब्लो कर देता है। ए, वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लकी। मुझे तो अच्छा लग रहा है लकी, सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। तुम्हारे दिल में मेरे भैया ना भाभी, इसलिए कोई पसंद नहीं है। ऐसा ही पता नहीं क्या क्या कहकर मुझे ले जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। क्या तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ, तो फिर चलो। हाँ, लेकिन चलो तो चलो कहाँ से? इस तरफ। वो छोड़ो, मुझे बताओ यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं? लड़की वाले आए हैं। मेरी परमिशन के बिना लड़की वाले क्यों बुलाया तुमने? मेरे लिए नहीं, भैया के लिए। वो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों ने पसंद कर लिया है। गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? अरे और कितने दिन नाना करता रहेगा? आईजी की बेटी का रिश्ता है। आईजी की बेटी का रिश्ता? अब सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हाँ तो पंडित जी बताइए। देखिए, अगले महीने की 20 तारीख को बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। मेरे लिए ये ओके है? मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इस घर का मेंबर हूँ या नहीं, मुझे बताए बिना रिश्ता कैसे तय किया? अब मेरा क्या होगा? ये मेरा छोटा बेटा है। ओह अच्छा, तो वो होनार छोटे तुम ही हो। तुम्हारे बारे में सबने बताया कि खोटे सिक्के तुम ही हो। तुम्हारे बारे में भी सबने बताया, जिसकी घर में अच्छी मालिश होती है वो तुम ही हो। अरे क्या कर रही हो, इसकी बात का बुरा मत मानो, तुम अपनी लाठी की मालिश जारी रखो। लकी, अब मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊंगा? ओए सुन, एक्स्ट्रा मुंह मत चला, मुझे पता था तू काम बिगाड़ेगा, इसलिए तेरे बिना सब सेट किया। ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान ले ली। ओए, ये कार किसकी है पता है? किसी भी साहब की, और मैं उनकी होने वाली पीढ़ी।
इसको सच कैसे बताऊंगा? ओए, ओए, ओए! मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं इसी लिए बंद के ही रहूंगी। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। जैसे मेरी शादी छुपाई वैसे अपने भैया की शादी छुपाओगे और मेरी शादी उनसे करवाओगे। बोलो बोलो बोलो, सब ठीक कर दोगे? दिखाई नहीं देता। शादी के मंडप से, दूसरी तरफ आईजी की बेटी जो मेरे लिए बैठी है मंडप में। वर्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? मैं बताता हूं, ये प्यार बहुत पुराना है, इसे कट नहीं कर सकते। आईजी की बेटी को कल्टी दीजिए। ओए, तुझे क्या इतना आसान लगता है? आसान है सर, हर घर में काम बिगाड़ने वाला एक इंसान जरूर होता है, वही इंसान आपका भी रिश्ता बिगाड़ेगा। वो कौन? मेरा भाई। हाँ सर, वही ये काम कर सकता है। सर जल्दी से जाकर उसके पैर पकड़ लीजिए। अरे बाप रे, इडियट, अब तक उसने मुझसे मदद मांगी है और तू चाहता अब मैं जाऊँ उसके पास? मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है सर। मतलब मेरा भाई गधा है? पहली बार अंकल की बात की आपने, मुझे पहली बार समझा सर। मेरा भाई गधा, छोटा भाई गधा है तो बड़ा भाई क्या हुआ? हाँ अब सब ठीक है सर। सर मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है, आप कंफर्म कर लीजिए। क्या मेरी किस्मत मेरी जिसके पास आना पड़ा। तुझे जो समझाया गया ना बस वही कर। मतलब क्या करूं? तुझे अपना फर्ज निभाने का मौका मिला है, उसका फायदा। वो तेरी, साफ साफ कह दे तुझे मेरी हेल्प चाहिए। नहीं, तूने जो कपड़े पहने हैं, जूते पहने, वो सब मैंने दिए। जरूरत भी तेरी, इसलिए तो कह रहा हूँ अपना फर्ज निभा। वार्निंग नहीं चलेगी भैया, रिक्वेस्ट चाहिए। मेरा प्यार वापस आ गया इसलिए तुझे मेरी शादी तोड़वानी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भैया, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक्चुअली रिक्वेस्ट करूँ? सर वो गधा है, गधा, आप जाइए। गधा तो है, छोटी सी रिक्वेस्ट। अच्छा सुन, मेरी और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वाना है। लेवल ठीक नहीं है। क्या कहा? अच्छा सुन मेरे भाई, कैसे भी हो मेरा और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वाना है। ओह माय गॉड, मुझे क्या तू रुलाएगा? बस कर पगले, बस कर। ए मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा रिश्ता तोड़वा दे, कैसे भी इस मुसीबत से निकाल मुझे। काम होगा। अरे क्या हुआ, मैं अस्पताल कैसे पहुंच? लेट जाओ, लेटोगे तो ही काम होगा। हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। लगी, मैं जो कहूँगा वही कहना। मैटर क्या है बताओ? मैटर तो बताने आया हूँ मैं। यू मीन काम तमाम? करेक्ट। ओके ओके। Not again. Doctor, राम को क्या हुआ? हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। आई एम पी, जे पी, ठीक है कहीं भी मार देता हूँ मैं। आई सी, यू नीड चेकअप, सो कम। क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ किसके उसमें दम है? किसमें? दिल में। तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो, तो तुम्हारा ही होगा। चलो साइड में चाय पीते हैं। लेकिन बात क्या है वो बताइए ना डॉक्टर। वो अंदर जो है वो आपका दामाद है क्या? नहीं, होने वाला है। ओहो, उनका ये क्या है? एक अनजानी जगह चोट लगी है और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म मतलब? लेफ्ट टूट गया, राइट फूट गया, बीच का मामला पूरा साफ हो गया। जरा खोल के बताइए ना डॉक्टर साहब। कैन आई यूज योर लाठी? हाँ ले लो। आप इसके बिना ड्यूटी कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका ये काम से गया।
मतलब अब नामुमकिन है ना डॉक्टर? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए मुश्किल है। वो मेरी बेटी नहीं है, ये है। आई फील सो सॉरी। तुम इससे दूर रहो। Are you sure, डॉक्टर? मशीन ने ऐसे ही बताया। लेकिन मशीन ठीक ही बताएगी, इस बात की क्या गारंटी है? एक काम करो, अपनी बेटी को रूम में भेज दो, वो खुद बताएगी किसका डंडे का। डैडी, मैं जाऊँ क्या? जल्दबाजी मत कर, रुक जा। तो ठीक है, मैं जा सकता हूँ क्या? जाओ। करने से बहुत प्यार है। बेटा हुआ क्या? पापा मुझसे मत पूछो। हालात क्या है ये तो समझ गए होगे, बस थोड़ा धीरज से काम लो। कहीं आप शादी तोड़ने की बात तो नहीं? एकदम ठीक कहा बेटा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हट्टा कट्टा इंसान और क्या हो गया उसके साथ? ए, काम हुआ कि नहीं? बेचारे की शादी कैंसिल हो गई, मेरे ही बेटे के साथ ऐसा होना था। परेशानी नहीं बचाई। सीधा अस्पताल ले गया और सर दर्द खत्म हो गया, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम थी। साहब जी, क्या है? मुझे लगता है इस हादसे से इनका दिमाग खराब हो गया है। मुंह बंद कर अपना। ओए, ज्यादा हो रहा है। आई जी की बेटी से रिश्ता तोड़ने के लिए था। क्या कहा? रिश्ता जानबूझकर तोड़ा है तुमने? हाँ माँ, मैं श्वेता से प्यार करता था और उसे शादी करने के लिए आई जी साहब की बेटी से रिश्ता तोड़वाना पड़ा। ये प्रॉब्लम लकी को बताया, उसने ड्रामा किया और शादी टूट गई। यानी कि तू डांस इसलिए कर रहा था कि तेरी शादी टूट गई? और क्या, तो आप लोग क्या समझ रहे थे? क्यों रे, डॉक्टर ने जो बोला वो सच नहीं था? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं आप इतना डर क्यों रहे पापा? मुझे शर्म आती है। डॉक्टर से क्या कहलवाया तूने? जो भी कहलवाया हो छोड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। मेरे सवाल का जवाब दे, बता क्या कहलवाया था, बता। उसने कहा माचिस में अब आग नहीं बची है। मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। शराब पीता है, लड़की बाजी करता है, किसी से रिश्वत लेता है, कोई भरोसा करता मेरा? पूरा डिपार्टमेंट जानता है तुम कैसे ऑफिसर हो, वरना क्या आई जी खुद यहाँ आता तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए? और वो सब छोड़, तेरी मेरी नहीं बनती ये शहर का हर एक इंसान जानता है, पर घर से बाहर निकालने के बजाय तू मुझे बैठकर खिला रहा। इस एक रीजन से पता चलता है कि तू अपनी बीवी का कितना ख्याल रखती है। 24 कैरेट गोल्ड है यार तू, और इसीलिए कोई कमियां है ही नहीं तो झक मार के ये बहाना बना है। तेरे खिलाफ कुछ भी कहे ऐसा इंसान हमारे शहर में ढूंढ कर नहीं मिलेगा। बात कर